बात बात सर, राजस्थान मुकाबले में कप्तान कप्तान फसा कर दिए जाएंगे दोस्तों, गारंटी है। क्या आज ट्रेविस शो दोस्तों यहां पे कप्तान कप्तान बनेंगे या फिर यशस्वी जायसवाल, या दोस्तों यहां पे कौन कप्तान बनेंगे, संजू सैमसन कप्तान बनेंगे या फिर दोस्तों हेनरिक लाइसन? आपको दोस्तों हर मैच में कप्तान कप्तान फंसा कर दिए जाते हैं, और इस मैच में दोस्तों रियान पराग या फिर के नीतीश रेड्डी कौन कप्तान बनेगा, कौन उप कप्तान बनेगा दोस्तों? इस वीडियो पर आपको दोस्तों स्पेशल कप्तान कप्तान का प्रेडिक्शन दिया जाएगा, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको दोस्तों ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज के मैच में कौन से कप्तान बनेंगे, हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का मुकाबला, ये दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दोस्तों, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दोस्तों ट्रेविस शेट का बल्ला चलने वाला है या फिर जीरो पर आउट होंगे? रियान पराग दोस्तों आज मैच में कप्तान बनने वाले हैं या फिर नहीं बनेंगे? आप लोगों के मन में दोस्तों यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी है जो 3 विकेट ले सकता है? दोस्तों अगर कप्तान कप्तान की बात की जाए दोस्तों, तो हर मैच में कप्तान कप्तान फंसा कर दिए जाते हैं, और पिछले मैच में अगर बात की जाए यहां पे देख सकते हैं आरसीबी वर्सेस राजस्थान का जो मुकाबला हुआ, इस मैच में दोस्तों कप्तान कप्तान में यहां पे दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल दोस्तों वाइस कैप्टन बने, और यहाँ पे आवेश खान कप्तान बने हुए। आपको लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा क्या बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आवेश खान ड्रीम टीम में दोस्तों बागेश्वर बाबा की टीम में कप्तान बने हैं या नहीं बने, यशस्वी जायसवाल का वाइस कैप्टन फंसे है या नहीं फंसे, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप लोग दोस्तों यहां पे 3 करोड़ या 1 करोड़ जीतना चाहते हैं दोस्तों, कप्तान कप्तान का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, फर्स्ट रैंक लेकर के आना चाहते हैं, तो दोस्तों कप्तान कप्तान के बिना आप लोग नहीं जीत सकते। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद हर मैच में आपको कप्तान कप्तान फंसा कर दिए जाते हैं, और इस मैच में भी कप्तान कप्तान फंसा कर दिए जाएंगे। आज किसके सितारे चमकने वाले, कौन सा खिलाड़ी ड्रीम टीम में 3 विकेट लेगा, कौन सा बल्लेबाज है जो 80 रन बनाएगा, और किसका भाग्य खुलने वाला है? और दोस्तों चलिए दिखाते हैं वही टीम सेम टू सेम, आप देख सकते हैं उसमें यशस्वी जायसवाल यहाँ पे वाइस कैप्टन बने हैं और आवेश खान दोस्तों यहाँ पे कप्तान बने हुए बागेश्वर बाबा वाली टीम में। तो आप लोगों को हमने लाइव प्रूफ दिखाया कप्तान कप्तान कैसे फंसा जाता है, क्या ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप लोग कप्तान कप्तान फंसा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की ट्रिक की अगर बात करें दोस्तों, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद मुकाबले में कैसे आप लोग कप्तान कप्तान फंसा सकते हैं, और 100% गारंटी है आज के मैच में दोस्तों कप्तान कप्तान फंसा करके दिए जाएंगे। और दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको दोस्तों ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, और ऐसा ना ही कोई दोस्तों लॉजिक मिलेगा जो कि यूट्यूब पर कप्तान कप्तान फंसाने का ना कोई वीडियो मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको दोस्तों गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों जब तक आप लोग कप्तान कप्तान नहीं फंसा पाते, आप लोग ड्रीम टीम में दोस्तों ये लिख कर ले लीजिएगा 100% आज मैच में कप्तान कप्तान नहीं फंसा पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग कप्तान कप्तान फंसा लिए तो आपको फर्स्ट रैंक लाने से और करोड़ों रुपए जीतने से किसी का औकात नहीं है कि वो आपको रोक सके। तो चलिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं आज के मैच में कि आपको कप्तान कप्तान फंसाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला काम यह करना कि दोस्तों ड्रीम टीम में अगर आप लोग दोस्तों 100+ पॉइंट जो भी खिलाड़ी बनाता है, वो गेंदबाज सेक्शन से भी हो सकता है, ऑलराउंडर सेक्शन से भी हो सकता है, और बैटमैन सेक्शन से भी हो सकता है, वो खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में 100+ पॉइंट बना दे तो उस खिलाड़ी को आपको ड्रीम टीम में कप्तान योग कप्तान आंख मूंद करके बनाना है। और दोस्तों यहाँ पे ये कॉमन सेंस अगर आप लोग लगाते हैं तो जो 11 खिलाड़ियों को टीम बनाते हैं उनमें से आपको कम से कम 5 खिलाड़ियों के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा कि आज के मैच में कौन कौन सा खिलाड़ी है जो ड्रीम टीम में 100+ पॉइंट बना सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप लोग 6 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी आप लोग ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे कि आज की मैच में ये खिलाड़ी का अच्छा नहीं बना पाएगा, ये खिलाड़ी 100 पॉइंट्स नहीं दे पाएगा, ये बॉलर नहीं दे पाएगा 100 पॉइंट। इस प्रकार से आप लोग इलिमिनेट कर सकते हैं और खिलाड़ियों को हटा सकते हैं। तो ये पहला बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक ट्रिक आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो खिलाड़ी 100+ पॉइंट देगा ड्रीम टीम में वही कप्तान कप्तान बनेगा। उसके बाद दोस्तों 90% लोग क्या गलती करते हैं, 90% लोग बहुत सारी गलती करते हैं दोस्तों, आप बताते हैं आपको क्या क्या गलतियां करते हैं कप्तान कप्तान चुनते समय। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों 90% क्या लोग गलतियां करते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहां पे। चलिए आपको हम बताते हैं कि आज के मैच में दोस्तों 90% लोग क्या गलतियां कर रहे होंगे कप्तान कप्तान चुनते समय। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ट्रेविस शेड, ट्रेविस शेड दोस्तों पिछले 2 मुकाबलों से फ्लॉप चल रहे हैं और कोई भी योगदान नहीं दे पा रहा है, 38% फिर भी लोग इनको टीम में लेकर के चल रहे हैं क्योंकि 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं और ट्रेविस शेड का बल्ला बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता है। तो दोस्तों उसी विश्वास पर लोग इनको फिर से दोस्तों 2 बार हार चुके हैं ट्रेविस शेड को कप्तान कप्तान बना करके, क्या आज फिर से हारेंगे? जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के मैच में ट्रेविस शेड का बल्ला आग उगलेगा आग, और देख लेना 100% गारंटी है। मगर दोस्तों यहाँ पे ट्रेविस शेड कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका दोस्तों अभी बताऊंगा कि आखिरकार आपको ट्रेविस शेड को कप्तान लेकर चलना है या फिर नहीं चलना, क्योंकि हमने हमेशा आपको हाई सिलेक्शन परसेंटेज के खिलाफ मना किया है कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज से कप्तान मत लेकर के जाइए, कप्तान मत लेकर के जाइए। आज ऐसा क्या आन पड़ी है कि आज हम आपको हाई सिलेक्शन परसेंटेज के ट्रेविस शेड को बता रहे हैं कि आज कप्तान लेकर के जा सकते हैं अगर आप लोग जीतना चाहते हैं तो।
तो दोस्तों चलिए बताते हैं दोस्तों, पिछले मैच में अगर आपको हम एग्जांपल दें, विराट कोहली को सबसे ज्यादा लोग कप्तान बना रहे थे और रियान पराग को वाइस कैप्टन। विराट कोहली ड्रीम टीम में कप्तान नहीं बने, आपको भी पता है, और ना ही रियान पराग वाइस कैप्टन बने, ये भी आपको पता है। उसके पिछले मैच की बात करें जिसमें हैदराबाद का मुकाबला हुआ था कोलकाता के साथ, उस मुकाबले में सुनील नायर को सबसे ज्यादा लोग कप्तान बना रहे थे, सबसे हाई सिलेक्शन परसेंटेज था, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेविशर को वाइस कैप्टन बना रहे थे और ट्रेविशर दोस्तों ड्रीम से बाहर हो गए। हमने मना किया था कि वहां पे सुनील नारायण और ट्रेविशर को सबसे हाई सिलेक्शन परसेंटेज को मत लेकर के जाना, मगर नहीं, 90% लोग यही गलती करते हैं कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को कप्तान कप्तान बना लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि हमारा खिलाड़ी तो फ्लॉप ही हो गया, अगर हमारा खिलाड़ी ये कर जाता तो हम 3 करोड़ जीत जाते। ऐसा नहीं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के मैच में कौन कौन से खिलाड़ी है, क्या ट्रिक है कप्तान कप्तान बनाने के लिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा। चलिए दोस्तों पहली ट्रिक अगर बात करते हैं, पहली ट्रिक दोस्तों कप्तान कप्तान के लिए, दोस्तों यहां पे आपको पता है कप्तान के 2 गुना पॉइंट्स मिलते हैं और वाइस कैप्टन के 1.5 गुना। तो दोस्तों ट्रिक आपके लिए बहुत ही लाजवाब है और 100% दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी भी कप्तान कप्तान बनाए तो आप लोग दोस्तों ये कंसेप्ट अगर फॉलो करते तो 100% 10 में से 7 बार आप लोग के कप्तान कप्तान फंसा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा, उनके आशीर्वाद से हर मैच में आपको कप्तान कप्तान फंसा करके दिए जाते हैं। तो पहली ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, पहली ट्रिक आपको हमेशा याद करनी है कि किस खिलाड़ी को ड्रीम टीम में कप्तान बनाना है और किस खिलाड़ी को वाइस कैप्टन। तो दोस्तों पहली ट्रिक अगर बात की जाए तो बल्लेबाज सेक्शन से आपको कप्तान कप्तान बनाइए। ये मुकाबला कहां पे होने वाला है, ये मुकाबला दोस्तों एमए चिदंबरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में पड़ता है, और दोस्तों यहां पे बल्लेबाज सेक्शन से आपको दोस्तों बल्लेबाजी अच्छी खासी खेलने को मिलती है और ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान भी देखने को मिलेंगे। उस बल्लेबाज को ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनाइए जो ड्रीम टीम में 70 रन मार सकता हो, 70 रन मार सकता हो, उस खिलाड़ी को आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनाना है। तो आज के मैच में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो ड्रीम टीम में 70+ रन बनाने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने संजू सैमसन है, ये भी 70 रन बना सकते हैं, हेनरी क्लाइसन भी 70 रन बना सकते हैं, ट्रेविशेट भी 70 रन बना सकते हैं, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जयसवाल, ये 5 बल्लेबाज जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से सभी आपको ड्रीम टीम में दोस्तों 70+ रन मारने की दमखम रखते हैं और ड्रीम टीम में बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद, आज के मैच में यही 5 बल्ले आपको ड्रीम टीम में कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे और इन्हीं बल्लेबाजों को आपको एक 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 या दो खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लीजिएगा, ड्रीम टीम में कप्तान बनाने की कोशिश करिएगा, आपके कप्तान कप्तान 100% फंसेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं दोस्तों, आपको 5 प्लेयर में अगर कप्तान कप्तान की गारंटी ली जा रही है तो दोस्तों 100% कहीं ना कहीं चमत्कार होने वाला है। अब उसके बाद दोस्तों ये पहली ट्रिक हो गई कि बल्लेबाज सेक्शन से आपको कप्तान कप्तान बनाना है। अगर दोस्तों कोई बल्लेबाज आपको 70+ रन नहीं बना सकता तो उसको आपको ना तो कप्तान बनाना और ना ही वाइस कैप्टन। अब उसके बाद दूसरी ट्रिक की बात करते हैं, दूसरी ट्रिक दोस्तों आपके सामने हाजिर हो चुकी है। दूसरी ट्रिक में अगर हम बात करें यहां पे जबरदस्त तरीके से, तो दोस्तों आपको ऑलराउंडर सेक्शन से बनाना है। किससे बनाना, ऑलराउंडर सेक्शन से कप्तान कप्तान बनाना है। जैसा कि यहां पे आज ऑलराउंडर कौन कौन से खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, रियान पराग दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं के नीतीश रेड्डी और अश्विन। चलिए दोस्तों यहां पे चलिए दूसरी ट्रिक से आपसे पहले यहां पे बात करते हैं, देख सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से भी आप लोग दोस्तों कप्तान कप्तान चुन सकते हैं जबरदस्त तरीके से। अब किस ऑलराउंडर को कप्तान बनाना है, किस ऑलराउंडर को कप्तान बनाना है, यह चीज दोस्तों आपके लिए डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आप लोग एक विकेट या 2 विकेट जो ऑलराउंडर ले सकता है उसको वाइस कैप्टन बनाइएगा और साथ में दोस्तों जो 3 से 40 रन की पारी खेल सकता हो, 30 से 40 रन 50 रन की पारी खेल सकता हो ऑलराउंडर, उसको आप लोग वाइस कैप्टन वो कप्तान बना सकते हैं आंख मूंद करके। ऑलराउंडर किसी को कप्तान कप्तान बनाना जो 1 विकेट या 2 विकेट ले या 40 से 50 रन की पारी खेल सके, उस ऑलराउंडर को आंख मूंद के कप्तान बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के मैच में आर अश्विन की बात करें तो ये दोस्तों आपको ड्रीम टीम में कप्तान बनते हुए नहीं दिखाई देंगे और दोस्तों वहीं के नीतीश रेड्डी की बात करें तो ये कप्तान और उपकप्तान दोनों कर सकते हैं। रियान पराग भी दोस्तों फॉर्म में चल रहे हैं तो ये खिलाड़ी भी आपको कप्तान उपकप्तान जैसी बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है तीसरी ट्रिक क्या है कि गेंदबाज सेक्शन से आपको कप्तान कप्तान चुनना है। गेंदबाज सेक्शन से कौन कौन खिलाड़ी जो ड्रीम टीम में दोस्तों आप लोग कप्तान कप्तान चुन सकते हैं, तो दोस्तों यहां पे आपके सामने देख सकते हैं पैट कमिंग है दोस्तों जो कि ड्रीम टीम में कप्तान तो नहीं बन पाएंगे बट 3 विकेट लेकर के वाइस कैप्टन बन सकते हैं और 3 विकेट ले जाने को आप लोग आंख मूंद करके वाइस कैप्टन बनाइएगा। टी नटराजन दोस्तों ये खिलाड़ी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा और ये खिलाड़ी दोस्तों 3 से 4 विकेट लेने की क्षमता रखता है। तो हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन कप्तान कप्तान बनने के आज के मैच में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वही भुवनेश्वर कुमार की बात करें दोस्तों पिछले 3-4 मुकाबलों में ड्रीम टीम में कोई योगदान नहीं, ये खिलाड़ी दोस्तों आपको 3 विकेट लेकर के ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपके सामने यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं या फिर दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे अगर भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करना है तो आपके सामने संदीप शर्मा हो गए, आवेश खान पिछले मैच में दोस्तों कप्तान बन चुके हैं,
अवेश खान हो सकते हैं। अवेश खान भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है क्योंकि फास्ट बॉलर को यहाँ पे विकेट मिलती है। या फिर आपके सामने दोस्तों ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ट्रेंट बोल्ट भी दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन से अगर बात करें आठ मैच में ये भी दोस्तों कप्तान उपकप्तान बनने के प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की तरफ से ये तीनों गेंदबाज दोस्तों आपको वाइस कैप्टन या फिर कप्तान 100% इनमें से कोई ना कोई बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आज के मैच में कि यहाँ पे सिलेक्शन रेट क्या है। तो दोस्तों आपको हमने तीन ट्रिक बताई है और दोस्तों दो ट्रिक बताई कि आप लोग गलती मत करना कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज से कप्तान उपकप्तान लेकर के जाते हैं। जो लोग 90% लोग हाई सिलेक्शन परसेंटेज से कप्तान उपकप्तान लेकर जाते हैं और दोस्तों हारते हैं। और दोस्तों आज के मैच की अगर बात की जाए राजस्थान वर्सेज हैदराबाद मुकाबले में 10 कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे कप्तान उपकप्तान के और 100% दोस्तों यहां पे मेगा ग्रैंड लीग में जो कप्तान उपकप्तान फंसेंगे इसी कॉम्बिनेशन से फंसेंगे। तो आप लोग दोस्तों ये 10 कॉम्बिनेशन बहुत ही सोच समझ करके आपको दिए जाएंगे और पूरा दोस्तों यहां पे रिसर्च आएगा कि कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में कप्तान उपकप्तान बनने का प्रबल दावेदार है। तो चलिए दोस्तों आपको पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं अगर बात की जाए आपके सामने दोस्तों यहाँ पे काफी सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब इन खिलाड़ियों में आज के मैच में दोस्तों राजस्थान वर्सेज ये कोई प्रेडिक्शन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ टीम का दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कप्तान उपकप्तान का कॉम्बिनेशन है। हैदराबाद की तरफ से 5 खिलाड़ी जो आज के मैच में कप्तान उपकप्तान बनने के प्रबल दावेदार है, हेनरी क्लाइसन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, के नीतीश रेड्डी और भुवनेश्वर कुमार, ये 5 खिलाड़ी हैं। और दोस्तों वही बात कर लेते हैं राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ी हैं, तो संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, रियान पराग है, आर अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है और उसके बाद यहाँ पे अवेश खान। तो ये दोस्तों 6 खिलाड़ी जो राजस्थान की तरफ से दिखाई दे रहे हैं आज के मैच में प्रबल दावेदार कप्तान उपकप्तान के लिए दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। तो अब दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के मैच में कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पे ड्रीम टीम में दोस्तों आपको कप्तान बनाना है, किसको उपकप्तान बनाना है और दोस्तों क्या इनका सिलेक्शन रेट है। तो कप्तान उपकप्तान के लिए दोस्तों सिलेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और उसका ड्रीम टीम में प्रदर्शन आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप लोग दोस्तों उस खिलाड़ी को कप्तान उपकप्तान बनाते हैं दोस्तों ड्रीम टीम में दोस्तों ये देखना होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन देख सकते हैं 7.84% लोग संजू सैमसन को कप्तान बना रहे हैं, 10.08% लोग संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आप दोस्तों ये देखना होगा क्या संजू सैमसन ड्रीम टीम में 100+ पॉइंट दिए हैं। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली के सामने 130 पॉइंट, लखनऊ के सामने 104 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो संजू सैमसन 2 बार दोस्तों ड्रीम टीम में 100+ पॉइंट दे चुके हैं। तो संजू सैमसन दोस्तों आपको ड्रीम टीम में आज के मैच में कप्तान योग कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं और कप्तान कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं, इस खिलाड़ी को जरूर लेकर चलिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हेनरी क्लाइसन का, हेनरी क्लाइसन देख सकते हैं 4.3% लोग कप्तान बना रहे हैं, 5.34% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो क्या हेनरी क्लाइसन ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान बन सकते हैं, तो देख सकते हैं हेनरी क्लाइसन का अगर बात की जाए तो दोस्तों ड्रीम टीम में हेनरी क्लाइसन ने आरसीबी के सामने 117 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों कप्तान उपकप्तान की लिस्ट में आज के मैच में प्रबल दावेदार साबित हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देख सकते हैं ट्रेविस हेड को 38.07% लोग कप्तान बना रहे हैं, 9.24% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। क्या ट्रेविस हेड ने ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान की लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो देख सकते हैं लखनऊ के सामने 131 पॉइंट दिए हैं ट्रेविस हेड ने और यहाँ पे देख सकते हैं आरसीबी के सामने 153, दिल्ली के सामने 130 पॉइंट, लगभग 3 बार यहाँ पे ट्रेविस हेड दोस्तों और भी मैचों में दिया है क्योंकि यहाँ पे रिसेंट में दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो ट्रेविस हेड भी कप्तान उपकप्तान की लिस्ट में आज जरूर शामिल होंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा मेषराज के जातक हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से लगातार 2 बार वाइस कैप्टन बनते आ रहे हैं, पंजाब के सामने 101 पॉइंट देकर के वाइस कैप्टन बने, लखनऊ के सामने 113 पॉइंट देकर के वाइस कैप्टन बने और दोस्तों ये खिलाड़ी भी ड्रीम टीम में 2 बार वाइस कैप्टन बन चुका है लगातार। तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों आज के मैच में कप्तान या उपकप्तान की लिस्ट में शामिल होता है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करते देख सकते हैं 9.95% लोग कप्तान बना रहे हैं यशस्वी जायसवाल को, 12.77% लोग यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। क्या यशस्वी जायसवाल ड्रीम टीम में देख सकते हैं आरसीबी के सामने 71 पॉइंट देकर के ड्रीम टीम में दोस्तों वाइस कैप्टन बन चुके हैं और काफी अरसेस हो गया। तो हमने बताया था कि यशस्वी जायसवाल आज के मैच में दोस्तों आरसीबी के खिलाफ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कप्तान या उपकप्तान 100% कुछ ना कुछ बनने वाले हैं और यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन बन गए। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने ड्रीम टीम में हैदराबाद के सामने 102 पॉइंट, एमआई के सामने शतक मार करके 103 पॉइंट कप्तान भी बन चुके हैं। रिस्की जरूर तो दोस्तों फॉर्म इनका साथ नहीं दे रहा था बट दोस्तों अब फिर से यशस्वी जायसवाल अपनी फॉर्म पा चुके हैं। वही रियान पराग की बात करते हैं तो 8.96% लोग रियान पराग को कप्तान बना रहे हैं, 15.61% लोग रियान पराग को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं रियान पराग की बात की जाए क्या ड्रीम टीम में 100+ पॉइंट दिए हैं, तो जी हाँ दोस्तों 109 पॉइंट्स बना चुके रियान पराग देख सकते हैं हैदराबाद के सामने। तो ये खिलाड़ी दोस्तों कप्तान उपकप्तान की लिस्ट में 100% शामिल होगा। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद के देख सकते हैं गेंदबाज के नीतीश रेड्डी, 4% लोग हैदराबाद के इस खिलाड़ी को दोस्तों ऑलराउंडर को कप्तान बना रहे हैं, 6.74% लोग के नीतीश रेड्डी को वाइस कैप्टन बना रहे हैं।
उसके बाद देख सकते हैं के नीतीश रेड्डी दोस्तों लखनऊ के सामने 113 पॉइंट देकर के कप्तान बनी है। उसके बाद दिल्ली के सामने कप्तान बनी है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं 103 पॉइंट देकर के। तो ये खिलाड़ी दोस्तों दो तीन बार 100 प्लस पॉइंट बना चुका है, ये खिलाड़ी भी कप्तान की लिस्ट में 100% शामिल होता है। उसके बाद आर अश्विन की बात करते हैं, तुला राज के जातक का ड्रीम टीम में दोस्तों अभी तक इन्होंने 95 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए दोस्तों। ये खिलाड़ी आपको वाइस कैप्टन बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बट कप्तान बनता हुआ दोस्तों आपको रविचंद्र अश्विन नहीं दिखाई देने वाले, कप्तान मत बना देना भूल करके रविचंद्र अश्विन को। उसके बाद पिछले मैच के चैंपियंस रहे देख सकते हैं आवेश खान 81 पॉइंट देकर के ड्रीम टीम में कप्तान बन गए हैं। तो लो स्कोरिंग खिलाड़ी दोस्तों जब भी कभी लो स्कोरिंग मैच होता है 150 या 160 170 रन का, तो उस टाइम पर दोस्तों आपको 100 से नीचे वाले खिलाड़ी भी ड्रीम टीम में कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। अगर 200 प्लस का स्कोर जाता है तब आप लोग 100 पॉइंट मान सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आवेश खान पूरे आईपीएल में कोई बड़ा योगदान नहीं दिए हैं और यहाँ पे दोस्तों 81 पॉइंट देकर के ड्रीम टीम में कप्तान बन गए। हालांकि आज आवेश खान कप्तान नहीं बनने वाले, और आवेश खान की बात कर देख सकते हैं 1.48% लोग आवेश खान को कप्तान बना रहे हैं, 2.26% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। वहीं ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं तो 1.12% लोग कप्तान बना रहे हैं, 1.77% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं ट्रेंट बोल्ट को। और ट्रेंट बोल्ट दोस्तों अभी तक कई मैच हो गए ड्रीम टीम में 100 प्लस पॉइंट नहीं दिया, ये खिलाड़ी रिस्की खिलाड़ी के तौर पर आप लोग इसको कप्तान की लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार को 0.83% लोग कप्तान बना रहे हैं, 1.24% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करी जाए ड्रीम टीम में देख सकते हैं 97 पॉइंट्स हाईएस्ट गए हैं, अभी तक 100 नहीं डाके, तो ये खिलाड़ी वाइस कैप्टन बनने के बहुत ही नजदीक जा चुके हैं। तो आप दोस्तों बारी आ रही सभी खिलाड़ियों के बारे में बता दिया लगभग जो आज के मैच में वाइस कैप्टन या कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं, और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने हाजिर होता हुआ तो हेनरी क्लाइसन को कप्तान बनाइएगा और बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लीजिएगा और 100% आप लोगों की विनिंग होने वाली है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय दादाजी गुरु महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की। और आपको दोस्तों जरूर कप्तान फंसने वाले हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पहला कॉम्बिनेशन हाजिर हो चुका है जिसमें यहां पे हेनरी क्लाइसन को कप्तान बनाया जा रहा, वाइस कैप्टन बनाया जा रहा, किसको संजू सैमसन को, जो कि इस आईपीएल में दोस्तों उतना अच्छा योगदान अभी दो तीन चार मैचों से फ्लॉप चल रहे दोनों खिलाड़ी। तो यहां पे हेनरी क्लाइसन को कप्तान बनाना रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको और हाई सिलेक्शन परसेंटेज से काम नहीं चलने वाला, वही संजू सैमसन को आपको वाइस कैप्टन बनाना है। उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा को कप्तान बनाइए, आर अश्विन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, देख सकते हैं अभिषेक शर्मा को कप्तान बना सकते हैं, आर अश्विन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और 100% गारंटी लिया जाता है कि दोस्तों अगर इन जो जितने खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इन खिलाड़ियों में अगर कप्तान आपको ना मिले तो आप लोग दोस्तों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है। 100% दोस्तों यहाँ पे आपको खिलाड़ी कप्तान इन्हीं खिलाड़ियों में से आज के मैच में फंसने वाले हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जो कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे यही 10 कॉम्बिनेशन में आपको फर्स्ट रैंक वाली भी टीम छुपी हुई है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपको अभिषेक शर्मा को कप्तान बनाना और आर अश्विन अभी तक दोस्तों वाइस कैप्टन नहीं बन पाए, फॉर्म में अच्छी है तो इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद के नीतीश रेड्डी को कप्तान बनाइए, रियान पराग को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कई मैचों से फ्लॉप, के नीतीश रेड्डी को कप्तान बनाइए और रियान पराग को वाइस कैप्टन, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो चुका है। आप दोस्तों चौथा कॉम्बिनेशन की बात करें तो ट्रेविस हेड को कप्तान बनाना और वाइस कैप्टन आप लोग किसको बना सकते हैं, वाइस कैप्टन आप लोग दोस्तों यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को बना सकते हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से तो यहां पे बनाना है, ट्रेविस हेड को कप्तान बनाना और यहां पे ट्रेंट बोल्ट को वाइस कैप्टन बनाना, ये कॉम्बिनेशन भी लाजवाब है। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, संजू सैमसन को आपको कप्तान बनाना है और दोस्तों वाइस कैप्टन आपको बनाना किसको, भुवनेश्वर कुमार दोस्तों अभी तक पूरी आईपीएल में वाइस कैप्टन नहीं बन पाए, ये आपके सामने पांचवा कॉम्बिनेशन आ चुका है जिसमें संजू सैमसन को कप्तान बनाना है, भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन बनाना है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही लाजवाब है। अगले कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन बनाइएगा और अभिषेक यहाँ पे ट्रेविस हेड को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाइएगा और ये शशि जायसवाल को आप लोग कप्तान बना सकते हैं। तो बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद से ये कॉम्बिनेशन भी लाजवाब होगा, यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आ चुके हैं, छठवां कॉम्बिनेशन हो चुका, यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाइए और यहाँ पे दोस्तों आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं हेनरी क्लाइसन को। उसके बाद अगले कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो अगला कॉम्बिनेशन ट्रेविस हेड को कप्तान बनाइए, रियान पराग को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये दोस्तों स्मॉल लीग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सातवां कॉम्बिनेशन ट्रेविस हेड को कप्तान बनाइए और रियान पराग को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है, ये कॉम्बिनेशन पसंद आए तो जरूर यूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यशस्वी जायसवाल को आप लोग को वाइस कैप्टन बनाना है और दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ली जाए यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन और रियान पराग को कप्तान बना सकते हैं, ये आठवां कॉम्बिनेशन बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से रियान पराग को कप्तान, यशस्वी जायसवाल को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं और ट्रेविस शेट को कप्तान बना सकते हैं। ये नवा कॉम्बिनेशन है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। ओपनर बल्लेबाज आपको दोस्तों ड्रीम में जिताने की ताकत रखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी लाजवाब होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे लास्ट कॉम्बिनेशन आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो आप लोग संजू सैमसन को कप्तान बनाइए, ट्रेविस शेट को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन लाजवाब दोस्तों, जिसमें संजू सैमसन को कप्तान, ट्रेविस शेट को वाइस कैप्टन, तो 10 के 10 कॉम्बिनेशन दिए गए। और ये 10 कॉम्बिनेशन आप लोग चुनते हैं तो आप लोग दोस्तों 100% आपकी यहाँ से विनिंग होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी सरकार की, जय बागेश्वर धाम की जरूर लिखे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा और साथ में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी सरकार की।